बिहार के गया में पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस साल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जोरदार तैयारियां की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस बार पितृपक्ष मेले के दौरान 80 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें कुल 310 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। मरीजों को अस्पताल आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए 14 एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेंगी। जेपीएन अस्पताल में 4 हेल्थ कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे ताकि तुरंत मदद मिल सके। चौबीस घंटे काम करने वाले 5 कैंप, ये शिविर हर समय खुले रहेंगे। 16 घंटे काम करने वाले 18 कैंप, ये शिविर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक एक्टिव होंगे। 8 घंटे काम करने वाले 47 कैंप, ये शिविर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक काम करेंगे। इसके साथ ही 5 मोबाइल रिस्पांस टीमें भी 2400 घंटे एक्टिव रहेंगी। शहरी क्षेत्र के सभी 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आश्वस्त किया है कि पितृपक्ष मेले के दौरान चिकित्सकों की कोई कमी नहीं होगी। 92 डॉक्टर, 150 पैरामेडिकल स्टाफ और 70 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 8 एडवांस्ड और 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 2 शव वाहन भी ड्यूटी पर रहेंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बेड की सुविधा की गई है। हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि कितने हॉस्पिटल में कितने बेड की सुविधा की गई है। जयप्रकाश नारायण अस्पताल 10 बेड, प्रभावती अस्पताल 10 बेड, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल 20 बेड, अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल 10 बेड, शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल 10 बेड। इसके अलावा 24 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 120 बेड की सुविधा की गई है। हर स्वास्थ्य शिविर में मौसमी बुखार, डायरिया, उल्टी, मलेरिया, पेट, आंख और कानों से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए 37 तरह की दवाइयां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सोमीटर, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा और बाकी जरूरी मेडिकल डिवाइसेस भी शिविर में होंगे। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिलकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं और मच्छरों को रोकने के लिए DDT का उपयोग कर रहे हैं। दुकानों की साफ सफाई पर भी खास निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। फिलहाल पितृपक्ष मेले की तैयारियां काफी जोरों शोरों पर चल रही है। ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद और सुरक्षित अनुभव साबित हो सकता है। लोकल 18 के लिए गया से कुंदन की रिपोर्ट।